तो रायपुर से एक और बड़ी खबर, जहां राजधानी में जल्द 10 इलेक्ट्रिक बसें दौड़ने वाली है। निगम को बसों के लिए 4 करोड़ रुपए मिले हैं, जहां 1 करोड़ अलग 15वें वित्त आयोग से मिले हैं। 4 चार्जिंग स्टेशन के लिए 1 करोड़ मिले, तो वहीं पर कुम्हारी से मंदिर हसौद तक 22 किलोमीटर दूरी तय कर सकेगी बसें, और साथ ही शहर की ट्रैफिक व्यवस्था देखते हुए ये फैसला लिया गया। 22 सीटर इलेक्ट्रिक बसों की तैयारी अब निगम करने वाला है। तो वहीं राज्य कैबिनेट ने इलेक्ट्रिक बस पर सब्सिडी लगाई है, तो एक बड़ी पहल यहां पर की जा रही है, जहां पर प्रदूषण से तो निजात मिलेगा ही, लेकिन राज्य सरकार को भी और आम जनता को भी इससे काफी सहूलियत मिलने वाली है। तो राजधानी में 10 इलेक्ट्रिक बसें दौड़ेगी, इसके लिए निगम को बसों के लिए 4 करोड़ रुपए भी मिले हैं। एक करोड़ अलग 15वें वित्त आयोग से मिलेंगे, तो वहीं पर 4 चार्जिंग स्टेशन के लिए भी 1 करोड़ मिलेंगे। तो देखा जाए तो पूरी कोशिश की जा रही है राज्य सरकार के द्वारा, इससे आम जनता को तो काफी फायदा भी होगा, और साथ ही प्रदूषण की बात करें तो प्रदूषण से भी निजात मिलेगा। इसी खबर पर और भी जानकारी के लिए सीधे रुख करते हैं, हमारे साथ में सीनियर रिपोर्टर आकांक्षा तिवारी जुड़ चुकी है। आकांक्षा, एक बड़ी पहल की जा रही है, जहां पर राजधानी में जल्द 10 इलेक्ट्रिक बसें दौड़ती हुई नजर आएगी। बिल्कुल, देखिए बीते दिनों कैबिनेट की बैठक में एक महत्वपूर्ण बैठक रखी गई थी। उस बैठक के माध्यम से इलेक्ट्रिक बसों की सब्सिडी पर भी एक अहम फैसला इस कैबिनेट में देखने को हमें मिला था। इसमें मूल रूप से प्रदेश में अब जो इलेक्ट्रिक वाहन है उस पर सब्सिडी राज्य सरकार ने लगा दी है। इसका जो सीधा फायदा है वो प्रदेश के जो नगर निगम है इन सेक्टर्स को मिलता नजर आएगा। इसी तर्ज पर अब राजधानी में भी इसका एक बड़ा फायदा हमें देखने को मिलेगा। राजधानी रायपुर में लगभग 10 इलेक्ट्रिक बसें अब लगाई जाएंगी। ये लगभग 22 सीटर की इलेक्ट्रिक बसें होंगी, ताकि ट्रैफिक व्यवस्था में भी किसी प्रकार की अड़चन ना आए। बसों के लिए लगभग 4 करोड़ रुपए की राशि वर्तमान में मिली है। इसके अलावा 15वें वित्त आयोग से लगभग 4 चार्जिंग सेक्शन जो है 1 करोड़ की लागत से भी यहाँ पे प्रदान किया गया है। जो बसों का संचालन है वो रायपुर के कुम्हारी से लेकर के मंदिर हसौद तक, यानी कि लगभग देखिए 22 किलोमीटर तक की दूरी ये बस तय करेंगे। कहीं ना कहीं एक और हम इस पे देखें तो जो ट्रैफिक व्यवस्था है इसमें सुधार के साथ ही प्रदूषण से कहीं ना कहीं प्रदेश में एक निजात मिलती नजर आएगी। जी आकांक्षा, अगर देखा जाए तो 10 इलेक्ट्रिक बसें दौड़ेगी, ऐसे में अगर प्रदूषण की बात की जाए तो प्रदूषण तो काफी कम ही होगा, लेकिन आम जनता की बात की जाए तो उन्हें कितनी सहूलियत मिलने वाली है? सिटी बसों का जब संचालन हो रहा था अनुपमा, तो काफी कुछ राहत प्रदेश की जनता को मिलता नजर आ रहा था। जो उनके जेब पर एक भार है बसों के किराए को लेकर के, वो वाहन कहीं ना, वो जो भार था वो कहीं ना कहीं कम था। अब ये उम्मीद आम जनता ने लगा ली है, जब इलेक्ट्रिक बसों का संचालन होगा तो जो वो भार वर्तमान में वहन कर रहे हैं उस भार में भी कहीं ना कहीं एक कमी उनको मिलती नजर आएगी। आकांक्षा, अगर देखा जाए तो अभी रायपुर से इसकी शुरुआत की जा रही है, क्या रायपुर के बाद में अन्य जिलों में भी इसकी शुरुआत की जाएगी? बिल्कुल, देखिए रायपुर नगर निगम से वर्तमान में इसकी शुरुआत हो चुकी है, और इलेक्ट्रिक बसों के लिए जिस प्रकार से सब्सिडी वर्तमान में लगाई गई है, तो ये उम्मीद है प्रदेश के तमाम जिले जिन सेक्टर्स पे नगर निगमों का जो जमावड़ा है उन तमाम सेक्टरों में विशेष तौर पर ये इलेक्ट्रिक वाहनों का संचालन होगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया आकांक्षा तमाम जानकारी हमें देने के लिए और उनसे चर्चा करने के लिए। तो रायपुर से खबर, जहां राजधानी में 10 इलेक्ट्रिक बसें जल्द दौड़ने वाली है, और इसी के लिए निगम को बसों के लिए 4 करोड़ रुपए भी मिले हैं। तो ऐसे में देखने वाली बात होगी कि कितने समय के इंतजार के बाद में ये 10 इलेक्ट्रिक बसें राजधानी रायपुर की सड़कों पर नजर आएगी। तो फिलहाल के लिए इतना ही, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए साधना न्यूज। नमस्कार।